दोस्तों बिग बॉस के घर में यूके राइडर ने ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी है कि एक बार फिर से उन्होंने मुसीबत अपने सर ले लिया है। जहां उनका कहना ये है कि बिग बॉस इस घर में सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स को ही सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के लिए बिग बॉस बायस्ड है। यही नहीं बल्कि एज अ मेन कैरेक्टर भी उन्हीं को दिखाते हैं। दरअसल गार्डन एरिया में खानजादी और अनुराग एक साथ बैठे होते हैं और आजकल खानजादी और अनुराग काफी ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ ही नजर आते हैं, जहां पर दोनों मिलकर मुनव्वर के गेम के बारे में चर्चा करते हुए नजर आए। जहाँ दूसरी ओर मुनव्वर फारूकी अभिषेक ईशा के साथ बैठे हुए थे, जिस पर खानजादी कहती है अनुराग से कि भाई मुनव्वर की दोस्ती कब हो गई ईशा अभिषेक और समर से, और दोस्ती हुई भी तो इतनी कि बीच में जाकर बैठ गया इनके, ना इधर ना उधर। इस पर अनुराग जवाब देते हैं कि मुनव्वर जो है वो एक नंबर का चापलूस है, चापलूसी करके ही वो आगे बढ़ रहा है गेम में और मैं तो उसकी तरह कभी भी नहीं कर सकता। मुनव्वर जो है वो सिर्फ चापलूसियां कर रहा है और सभी के गुड बुक्स में आ रहा है और मैं सबके साथ अच्छा बनके तो नहीं रह सकता उसकी तरह। वेल, आपको बता दें कि इतना कहने के बाद भी अनुराग जो है वो थमे नहीं और सीधा अपना निशाना दाग दिया बिग बॉस पर, जहां उनका कहना था कि इस शो में बिग बॉस 4 कंटेस्टेंट्स को लेकर बायस्ड है, जिसमें कि मुनव्वर, अंकिता, विकी और मनारा का नाम आता है, लेकिन अगर इन चारों में से भी एक नाम हटा दे तो 3 लोगों के लिए तो पक्का बायस्ड है, जिसमें मुनव्वर, अंकिता और विकी आते हैं। यही नहीं बल्कि बिग बॉस हमेशा इन तीनों को ही सही दिखाने की कोशिश करते हैं। वेल, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मनारा जो है वो अनुराग को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है और उनसे मुनव्वर की चुगलियां तक करती है, लेकिन भाई अब मनारा के साथ उनको एक नया दोस्त भी मिल गया है बिग बॉस के घर के अंदर, जो कि है खानजादी, और उनसे उन्होंने स्टार्ट कर दी है मनारा की बुराई। वेल, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब मनारा को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करने वाली है, क्या इसके बाद भी इनकी दोस्ती चलेगी या फिर नहीं। वहीं बिग बॉस के खिलाफ एक बार फिर से अनुराग ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिससे कि वो एक बार फिर से फंस सकते हैं और ये सारी चीजें उन पर ही भारी पड़ सकती है इस बार वीकेंड के वार पर, या तो भाई फिर ऐसा हो सकता है कि सल्लू भाईजान अब इन सब चीजों पर ध्यान ही ना दे और उनसे कम ही बात करे। वेल, आपको क्या लगता है इन सब चीजों को लेकर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। साथ ही ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।